भारत में बनाई जा रही झूठी इतिहासकार फिल्मों का नेपाल ने विरोध किया। अगर किसी थिएटर ने चलाई आदि पुरुष फिल्म तो होगा अंजाम बुरा। भारत में बनाई जा रही सभी फिल्मों पर नेपाल में प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई। माता सीता थी नेपाल की बेटी, राजनीति के चक्कर में भगवानों का हो रहा अपमान। आदि पुरुष को लेकर नाराजगी के कारण नेपाल ने काठमांडू और पोखरा में सभी हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताने से नेपाल में नाराजगी। नेपाल में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है। उनका मानना है कि सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। काठमांडू के मेयर के मुताबिक आदि पुरुष को उसके संवाद को हटाए बिना स्क्रीनिंग करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि पोखरा मेट्रोपोलिस के मेयर धनराज आचार्य ने कहा कि आदि पुरुष का प्रदर्शन सोमवार से रोक दिया गया। नेपाल में हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है। उनका मानना है कि सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था, जो कभी राजश्री जनक के अधीन मिथिला साम्राज्य का हिस्सा था। सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हें राजा जनक ने गोद लिया था और उनकी बेटी के रूप में उनका पालन पोषण किया था। जनकपुर में शानदार जानकी मंदिर है, जो मिथिला की बेटी सीता को समर्पित है और दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा पूजनीय देवी माँ है। डायलॉग पे आपत्ति है, मैं पांचों बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाए तो करें। उनका एक काम है, और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को